रहे हैं बेगूसराय टुडे और मैं हूं पंकज भट्ट। बछवाड़ा विधानसभा जो शायद अभी तक संघर्ष करता हुआ नजर आ रहा है और उस संघर्ष की कड़ी में एक और नाम जुड़ता है, पूर्व विधायक अवधेश राय जी का हमारे साथ मौजूद हैं और हम इनसे पूछेंगे कि बीते हुए वर्ष में बछवाड़ा ने क्या क्या स्वाद चखे। सर जी, असल पिछले 4 साल में जी हमको चिंता ये लगी हुई है कि जिस पथ और पुल को हमने स्वीकृत करवाया 2014 बंडा जी, वो आज भी वित्तीय अभाव में जुड़ा है जी, पूरा नहीं हो सका है जी। कहाँ कहाँ सर? आपके दादूपुर घाट पर आप देख रहे हैं जी, वो पुल का आधा हिस्सा बना हुआ यू ही पड़ा हुआ है जी। बिशनपुर के सामने मऊ शेरपुर में जी पुर्जों का तो बना हुआ है, ये दो पुल है जिसको हमने स्वीकृत करवाया जी, आज तक वो नहीं बना। चमथा से लेके झांटिया तक आने वाला जो पथ है जी, वो पूरी पथ हमारे समय में स्वीकृत हुआ, उसका एक बड़ा हिस्सा बना भी लेकिन शेष हिस्सा अभी तक नहीं बना। और उसके बाद जितनी भी हमने स्वीकृत पथ करवाया जो पथ हमारे रेजिम में पूरा हो गया जी, उसके बाद आज तक जहाँ का तहाँ वो पड़ा हुआ है, क्योंकि तो उसका शेष भाग नहीं बन सका। इसका राजनीतिक द्वेषता ही कारण हो सकता है क्या? देखिए राजनीतिक कारण कम हमको लगता है, अकर्मण्यता जारी लगता है, अकर्मण्यता और जनप्रतिनिधि की उपेक्षा, जनता से जन लगाव ये हम मुख्य कारण। हो सकता है उसमें राजनीतिक प्रतिद्वंदता भी हो, लेकिन राजनीतिक प्रतिद्वंदता तो तब न होती जब वो जनता वहाँ की उनको समर्थन नहीं देते जो जनप्रतिनिधि अभी चुने हुए जी। वो जनप्रतिनिधि को भी जनता ने समर्थन दिया तब वो विधायक सांसद बने, बिल्कुल, लेकिन वो नहीं बना रहे, इसका माने है कि जन लगाव भी नहीं है, समस्याओं से अवगत नहीं है और सरकार तक उस सवाल को ले नहीं, इसलिए वो जहाँ का तहाँ पड़ा हुआ है। क्या लगता है सर, बछवाड़ा का कुछ मतलब को क्या हो सकता है बछवाड़ा का भविष्य? देखिए बछवाड़ा का भविष्य तो बहुत बेहतर हो सकता है, बशर्ते जनप्रतिनिधि की भूमिका उसमें महत्वपूर्ण जी। स्थानीय जनप्रतिनिधि तो स्थानीय पंचायत स्तर पर काम करते हैं, उनके क्रियाकलाप भी बेहतर है जी, पदाधिकारी उनकी बात सुने। दुर्भाग्य है कि पंचायत प्रतिनिधि की बात को पदाधिकारी सुनता तक नहीं जी, जबकि पंचायत प्रतिनिधि उससे किसी भी वीडियो सीओ जो भी हो उससे ज़्यादा महत्व रखता है, जनता का चुनाव होता है और मनमानी करता है। अगर संसदीय राजनीति करने वाले विधायक सांसद उस पदाधिकारी पर अंकुश नहीं जाते और उस पदाधिकारी के जरिए पंचायती जनप्रतिनिधि को सम्मान देने की बात नहीं करावे तब तो मनमाना होगा जी। इसलिए पंचायती योजना का भी मनमारा लूट हो रहा है और जो राज्य स्तरीय योजनाएं हैं जिसको राज्य सरकार कर सकती है उस पर तो विधायक सांसद कुछ है ही कुछ नहीं कर रहे हैं, चाहे माननीय सांसद महोदय हों या माननीय विधायक महोदय हों, विकास के सवाल को न ऊपर उठाते हैं और नीचे पदाधिकारी को भी नियंत्रित और करने में सफल नहीं है। ये भ्रष्टाचार लगता है कि चप्पा चप्पा सर, भ्रष्टाचार प्रखंड परिषद में, लेकिन सर वहाँ तो पैरों की कटाई नाक के नीचे प्रखंड परिषद में हो गई और जब पत्रकार पूछने गया वीडियो को तो वीडियो साहब उनको धक्का दे रहे हैं। देखिए भ्रष्टाचार का आलम छोड़ती है, इतनी भयानक है, धरना प्रदर्शन तो एक चेहरा बचाने का है, पदाधिकारी ठीक से बात नहीं करता है जी, सांसद और विधायक को सम्मान नहीं देता है, मुखिया और पंचायत समिति सदस्यों को बैठने तक की इजाजत नहीं देता है, इतनी मनमानीपन और हर योजना में शौचालय लीजिए, इंदिरा आवास दीजिए, मनरेगा दीजिए, जो भी योजनाएं चल रही है उस पर पूरा पूरी पीसी फिक्स्ड है। अब पीसी का भाग कितना नेता को मिलता है और कितना पदाधिकारी को ये तो हम नहीं जानते,
लेकिन इसमें बंदर बांट चल रहा है। और इसलिए आप देखिएगा कि पिछले 4-5 साल में न तो पंचायत की कोई योजना सफल योजना हो सकी है और न प्रखंड स्तर की या कोई महत्वपूर्ण योजनाएं ली गई हैं। अगर किया जाए, पदाधिकारी को नियंत्रित किया जाए, तो बछवाड़ा तो एक ऐसा धरती है, हमने तो अपने 5 साल जो 10 से 15 की अवधि थी उसमें अनुभव किया कि जितने भी कदम बढ़ाए, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे सड़क के क्षेत्र में, चाहे पुल पुलिया के क्षेत्र में, लगभग सभी जगह। और आज हमको गौरव होता है जब दियारा में हम प्रवेश करते हैं, जहाँ एक ईटा नहीं था, कोई गांव ऐसा नहीं बचा हुआ है जो सड़क से जुड़ा हुआ नहीं। जब टेम्पू और फोर व्हीलर गाड़ियाँ चलती हैं उस पर, तब हमको लगता है कि दियावासी भी फोर व्हीलर का मजा उठा सकते हैं। तो ये हो सकता है, लेकिन कोई करे तब तो करे। सर, मुख्तियारपुर पंचायत काफ़ी विकसित पंचायतों में से आता था बछवाड़ा विधानसभा के अंतर्गत, भगवानपुर प्रखंड के अंतर्गत। आपके वहाँ पे काफ़ी सक्रिय कार्यकर्ता भी हैं और जमीनी स्तर पे काम करने वाले कार्यकर्ता से भरा पड़ा हुआ है मुख्तियारपुर। भ्रष्टाचार वहाँ पे चरम पे, कोई ऐसी योजनाएं नहीं है जिस योजना का बाजाब्ता कमीशन नहीं वसूली किया जाता है। इसके बावजूद आपके कार्यकर्ता द्वारा मौन व्रत धारण करना क्या कहता है? देखिए, हमारे कार्यकर्ता भी गुस्सा गुस्सा है, इसमें कहीं दो। लगातार जनता के बीच काम करने के बाद अगर रिजल्ट सही नहीं मिलता है तो थोड़ा मायूसी आती है। हमको लगता है कि हमारे कार्यकर्ता थोड़ा पस्त हुए, क्योंकि 2015 के पहले जो हमने काम किया था वो पूरे बिहार का एक अनोखा काम था। उसके बाद भी 15 में हम हार गए। फिर उसके बाद 2019 के बीच में जो कुछ हमारे लोगों ने, तो लोग बोलता है जब काम और विकास के मुद्दे पर लोग ध्यान नहीं देते हैं तो हमको करना क्या है, इसलिए मायूसी आई है। लेकिन हम समझते हैं यह मायूसी गलत है। जनता की चेतना नहीं उठ सकी, उसने हमको जो कुछ राजनीतिक बहकावा में हो, भुलावा में हो, भ्रम डालने के वजह से हमारे खिलाफ हो गया, इसका कतई माने नहीं कि वो समझेगी नहीं। जनता इस बात का मूल्यांकन करेगी, जो विकास के प्रति अभिरुचि रखते हैं उसका चयन करेगी। थोड़े समय के लिए भटक गया तो उसको नज़रअंदाज करना चाहिए, और कार्यकर्ता को हम तैयार कर रहे हैं। हमको उम्मीद है कि हमारे कार्यकर्ता मैदान में उतरेंगे। इसी जनवरी महीने से हम लोग संघर्ष की शुरुआत करने वाले हैं। संघर्ष का एक नया वर्ष में कुछ कहना चाहेंगे आप अपने चाहने वाले को? देखिए, नया वर्ष में हम अपनी पूरे जिले की जनता को बधाई सबसे पहले देते हैं जी। आज साल का अंतिम दिन है और उम्मीद रखते हैं कि बेगूसराय विकास की रथ पर इस तेजी से चलेगी आगे, जो पूरे बिहार को पीछे छोड़े। बेगूसराय औद्योगिक क्षेत्र है, बेगूसराय कृषि क्षेत्र है, बेगूसराय के रोजगार के लिए नौजवानों को कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ सकती है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि आज की परिस्थिति में वो भटक रहे हैं। हम उम्मीद करेंगे 2020 हमारे नौजवानों को एक नई दिशा देगी। बेगूसराय में औद्योगिक जाल को बढ़ाने में लड़ेंगे, संघर्ष के मैदान में उतरेंगे और कृषि क्षेत्र का विकास करके गाँव और शहर एक तरह का विकास के साथ जुड़ के नया व्यवसाय बनाने में सफल होंगे बेगूसराय के युवक, इसकी हम उम्मीद है जी। बहुत बहुत धन्यवाद।